वहीं जयपुर के SMS हॉस्पिटल में कल वैक्सीनेशन करवाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू होते नजर आए। आइए देखिए क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने। कल SMS हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट बहुत शानदार हुआ है, जिसको अप्रिशिएट पूरे देश ने किया है, उसी ढंग से वैक्सीनेशन कामयाब बहुत अच्छा होगा। वहीं मैंने अनुभव किया है और आज 2-2.5 लाख प्रतिदिन वैक्सीन लगना, राजस्थान में वैक्सीनेशन होना बड़ी बात है। पूरे देश के वैक्सीनेशन का करीब 25% सिर्फ राजस्थान में हो रहा है। ये इसलिए है कि जो कोरोना का मैनेजमेंट शानदार हुआ है तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए आगे बढ़ बढ़ कर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और यही कारण है कि पूरे देश भर में वैक्सीनेशन का 25% लगभग होना बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है और तमाम नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हों, एक टीम ऐसी बनाई गई राजस्थान में, रिदम बन गया है पूरे राजस्थान के अंदर। जब से कोरोना मार्च में आया था 2020 में, मार्च वापस चल रहा है। 1 साल तक अपने आप को तैयार रखना मैं समझता हूँ कि तारीफ के काबिल है। जो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उन सबको मेरे लिए बहुत बहुत बधाई है और तमाम राजस्थान में जो वर्ग थे, वो चाहे हमारे धर्मगुरु थे, चाहे वो एक्टिविस्ट थे, सामाजिक संस्थाएं थी, विपक्ष थी, आम जनता थी, सबने मिलकर कोरोना की जंग लड़ी, इसलिए हम कामयाब हुए। परंतु मैं मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि आज जो दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल वापस बढ़ रहे हैं, ये कोरोना कई जगह लॉकडाउन की नौबत आ गई है, तो राजस्थान में हम लोग जीती हुई जंग को हार ना जाएं। कहीं इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग का, हाथ धोने का, उस पर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अभी भी जो 1-2 लोगों की जान जाती है, हम सुनते हैं कि लापरवाही से जाती है। अगर आप लापरवाही के बाद जाओगे अस्पताल, उसके बाद में आपको बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर सिस्टम होते ही चले जाओगे तो 100% बच सकते हैं लोग। तो मेरी आम जनता से अपील है कि सिस्टम अपनाएं, संकोच ना करें, फ्री इलाज हो रहा है, अस्पतालों के अंदर जाएं, पूरा इलाज होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा उनको कहना है। वहीं एक सवाल उनसे पूछा गया जिसपे उन्होंने बोला कि बिल्कुल गलत कोरोना को लेकर भ्रांतियां हैं। मैंने पहले देश से ही कहा था कि देश और दुनिया में वैक्सीन लगाई जा रही है, पता ही नहीं पड़ता है कि वैक्सीन कैसे लगी। ये जो कैमरा दिखाते हैं आपको टीवी के अंदर, वो स्थिति नहीं है वास्तव में। अगर आप पत्रकार लोग हो, आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई मुझे मालूम नहीं। डॉक्टर साहब को कहना चाहूँगा, आपको भी, आप भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आप महसूस करोगे, पता ही नहीं लगता कि वैक्सीन कब लग गई। मैंने पहले भी कहा था जिस प्रकार कोरोना मैनेजमेंट बहुत शानदार राजस्थान में हुआ है, जिसको अप्रिशिएट पूरे देश ने किया है, उसी ढंग से वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छा होगा, वो मैंने अनुभव किया। और आज 2-2.5 लाख प्रतिदिन लगना वैक्सीनेशन राजस्थान होना बड़ी बात है। पूरे देश के वैक्सीनेशन का करीब 25% सिर्फ राजस्थान में हो रहा है। ये इसलिए है जो कोरोना का मैनेजमेंट शानदार राजस्थान में हुआ तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए आगे बढ़ बढ़ करके लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और यही कारण है पूरे देश भर का वैक्सीनेशन का 25% लगभग होना बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है और तमाम नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, एक टीम ऐसी बन गई राजस्थान में, रिदम बन गया पूरा राजस्थान के अंदर। जब से कोरोना मार्च में आया था 20 में, मार्च वापस आने वाला है, 1 साल तक अपने आप को तैयार रखना मैं समझता हूँ कि तारीफ़ काबिल है। तो पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई है। और तमाम जो राजस्थान में जो वर्ग थे, चाहे वो धर्मगुरु थे, चाहे वो हमारे एक्टिविस्ट थे, सामाजिक संस्थाएं थी, विपक्षी पार्टियां थी, आम जनता थी, सब ने मिल के कोरोना जंग लड़ी, इसीलिए हम कामयाब हुए। परंतु मैं मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि आज जो दिल्ली में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, केरला में वापस बढ़ रहा है कोरोना, कई जगह लॉकडाउन की नौबत आ गई है, राजस्थान में हम लोग जीते हुए जंग को हार नहीं जाए कहीं। इतने जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ में प्रोटोकॉल जो है, मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, हाथ धोने का है, उस पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। अभी भी इक्का दुक्का लोग जो मरते हैं, हम सुनते हैं कि लापरवाही से मरे हैं। अगर आप लापरवाही के बाद जाओगे अस्पताल, उसके बाद में आपके चांसेस बचने के बहुत कम होते हैं, पर सिम्टम होते चले जाओगे तो 100% बच जाते लोग।
तो मेरी आम जनता ने अपील है, सिम्टम आए संकोच नहीं करें, फ्री इलाज हो रहा है अस्पतालों के अंदर जाएं, पूरा इलाज होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ।